नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित। आज मैं आपको बताऊंगा लीमर जीव के बारे में, जो कि अत्यंत ही दुर्लभ है और जिनकी लगभग 95% संख्या विलुप्त हो गई है और बस 5% ही बचे हुए हैं। और आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर में बस एक किताबी हिस्से बन जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। फ्रेंड्स, लीमर एक तरह का ऐसा जीव है जो कि बंदरों की तरह लगता है और ये अपनी लंबी पूंछ के सहारे पेड़ों की टहनियों पर ऐसे पूंछ को घुमा के झूलते हैं। और पर्यटक लोग जितने भी जाते हैं, मतलब कि जो दर्शक लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, मतलब इसको देख के बहुत ही आकर्षक लगता है ये देखने में। और ये आमतौर पर मेडागास्कर में पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, जैसे चीन में पांडा होता है, उसी तरह से मेडागास्कर में ये लीमर होता है। लीमर लीमर अगर बचाया नहीं गया तो आने वाले कुछ टाइम में ये ख़त्म हो जाएंगे, पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे आम जीवों की तरह। फ्रेंड्स, जैसे नेचर के लिए हर एक क्रिएचर इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से लीमर भी है। और हर एक जीव का अपना एक अलग एक्टिविटी होता है जो कि नेचर को बैलेंस बना के रखता है।